हाय ब्रिवन दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे सर दोस्तों आज मेरे पास जो है वीवे का वाई ग्यारह मॉडल नंबर का फोन है जिसके यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और इस फोन पर देख लीजिए डिस्प्ले बिल्कुल जो खराब हो चुका है दोस्तों फोन गिरने की वजह से जो है डिस्प्ले का जो अंदर का जो भाग है वो टूट चुका है यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों आज मैं आप लोगों को जो आज की इस वीडियो में इस फोन का डिस्प्ले को रिप्लेसमेंट करके दिखाने वाला हूँ साथ ही साथ मैं आपको डिस्प्ले का होलसेल एंड रिटेल प्राइस की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में जो है देने वाला हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले सिम ट्रे को बाहर निकाल लेना है डिस्प्ले किस तरह से लगाते हैं जानकारी है में, तो में एंड तक बने रहना तो यहाँ पर देख लीजिए आपको जो सिम ट्रे को बाहर निकाल लेना है और सिम ट्रे बाहर निकालने के बाद जो है आपको बैक पैनल को जो आराम आराम से खोल लेना है ठीक है इसका बैक पैनल बिल्कुल ईजी जो है निकल जाता है और दोस्तों इस इस मॉडल नंबर पर जो डिस्प्ले लगता है वाई ग्यारह मॉडल नंबर पर वो वाला डिस्प्ले आप वाई बारह वाई पंद्रह वाई सत्रह पर भी आप लगा सकते हैं जो वीवे का जो वाई सीरीज का फ़ोन है दोस्तों वाई सत्रह तक जो है आप इस एक डिस्प्ले को जो है तीन से चार मॉडल तक आप लगा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको देख लीजिए फिंगर सेंसर मिल जाएगा बैक पे तो यहाँ पर आपको दोस्तों इस स्क्रूब को बाहर निकाल लेना है और यहाँ पर आपको कनेक्टर का जो है खोल देना है तो यहाँ पर देख लीजिए आपको इस वाला स्क्रूब को बाहर निकाल लेना है और यहाँ पर देख लीजिए कुछ क्लिप आपको मिल जाएगा ऊपर पे जो कि सपोर्ट बना के रखता है वाला क्लिप हमारा कनेक्टर को खुलने नहीं देता है तो इसलिए आपको उसको बाहर निकाल लेना है और इस तरह से आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर का जो फ्लैक्स है आपको खोल लेना है ठीक है यहाँ पर मैंने खोल दिया हूँ खोलने के बाद दोस्तों कुछ स्क्रूप आपको दिखेगा ऊपर के साइड में जिसके देख सकते हैं बहुत सारे स्क्रूप है सारे स्क्रूप को आपको एक एक करके खोल लेना है तो यहाँ पर चलिए हम फटाफट से जो है स्क्रूप को खोल देते हैं दोस्तों और खोलने के बाद मैं आपको सारा कुछ अभी दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप फोन के अंदर पर डिस्प्ले को लगा सकते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आपको खोलने के बाद दोस्तों आपको बैटरी कनेक्टर को डिसकनेक्ट कर लेना है और यहाँ पर देख लीजिए आपको जो पावर जो आपको पावर की वॉल्यूम आप डाउन का जो कनेक्टर है दोस्तों उसको भी आपको इस तरह से डिस्कनेक्ट कर लेना है क्योंकि हम लोग जो बैटरी को रिमूव करेंगे तो आपको जो है वो मतलब टूट सकता है आपका जो पावर की का जो सप्लाई है उसका फ्लेक्स टूट सकता है इसलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर देख लीजिए आपको ये वाला ग्रीन कलर का स्टिकर को जो है आपको जोर से बाहर की ओर दोस्तों खींचना है जिसकी देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बैटरी का भी खोल कर आपको दिखाने वाला हूँ बिल्कुल ईजिली खुल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है यहाँ पर देख लीजिए मैं खोल देता हूँ और आपको देख लीजिए इस तरह से आपको ज़ोर से बाहर की ओर खींचना है देख लीजिए और बैटरी आपका कुछ टेढ़ा वोड़ा हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है बैटरी जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल बैटरी आता है दोस्तों आपको अब आप जो इसको सीधा कर सकते हैं आसानी से यहाँ पर देख लीजिए मैंने इसको जो है सीधा कर दिया और बैटरी आपका कोई डैमेज होने वाला नहीं है जब तक आपका बैटरी लीकेज नहीं होगा तब तक आपका बैटरी दोस्तों डैमेज नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आपका बैटरी थोड़ा सा भी लीकेज हो जाता है तो बैटरी आपका जो ख़राब हो जाएगा ठीक है इसलिए आपको बैटरी को कोई नुकीली चीज़ से नहीं खोलना है यहाँ पर देख लीजिए आप कोई वाला लेयर को जो है आपको जो है साइड कर लेना है क्योंकि हमारा जो डिस्प्ले का जो कनेक्शन है दोस्तों इस वाला जो लेयर देख रहे हैं उसको नीचे से होते हुए आता है इसलिए आपको जो ए वाला जो प्लास्टिक है इसको आपको साइड कर देना है देख लीजिए बहुत हार्ड ग्लू होता है इसमें एक स्टिकर होता है दोस्तों देख लीजिए इसको उनको लट्ठा बोलते हैं अपने वहाँ से पर यहाँ पर देख लीजिए आपको इसको जो है साइड कर लेना है और देख लीजिए दोस्तों साइड करने के बाद जो है आपको इसको जो है कुछ इसी प्रकार से खोल लेना है देख लीजिए डिस्प्ले कनेक्टर को चलिए हम इसको खोल देते हैं दोस्तों और खोलने के बाद हम जो है पहले वाला डिस्प्ले को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि जो है टूट चुका है कोई काम का नहीं है फ़ोन गिरने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है फोन के अंदर पर तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों हम जो यहाँ पर कुछ हीट लगा रहे हैं ताकि हमारा जो डिस्प्ले है वो जल्दी से बाहर मतलब निकल जाएगा खुल जाएगा अगर आपका ब्लोअर मशीन नहीं होता अब इसको जैसे मन वैसे निकाल सकते हैं फोन के अंदर से क्योंकि हमारा जो डिस्प्ले है बिल्कुल ख़राब है ऐसे भी कोई काम का नहीं है यहाँ पर फिर भी हमें यहाँ पे हीट लगा देता हूँ कि खोलने में थोड़ा सा जो है आसानी होता है जो हमारा ग्लू होता है वो जो है गर्म गर्म होने की वजह से दोस्तों पिघल जाता है देख लीजिए हमारा डिस्प्ले बिल्कुल आसानी से यहाँ पर खुल चुका है जैसे देख सकते हैं इस तरह से आप डिस्प्ले को भी खोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अब अच्छा डिस्प्ले को दोस्तों खोल सकते हैं बहुत भाई लोग जो है क्या करते हैं कि अच्छे डिस्प्ले को भी बाहर निकाल दें उसका जो ग्लास चेंज करने के लिए तो इसके लिए आपको जो है आराम आराम से खोलना ताकि आपको कुछ टूटे नहीं आपका जो है खोलने का हैबिट भी आपका अच्छा बना रहेगा डिस्प्ले खोलने का तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों हमारा जो है पुराना वाला डिस्प्ले इसको हमने बाहर निकाल दिया हूँ और बाहर निकालने के बाद देख लीजिए फ्रेम को जो है आपको चारों और अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है ताकि आपका कुछ भी डस्ट वगैरह नहीं रहे कुछ गुली वगैरह हो होता है दोस्तों वो सारे कुछ आपको जो क्लीन अच्छे तरीके से कर लेना है अगर आप अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो आपका जो डिस्प्ले वो सही तरीके से फ़ोन के अंदर पर नहीं बैठेगा फिर कभी कभी क्या होगा कि आपका जो साइड साइड से लाइट भी दिखाई देगा डिस्प्ले का बहुत बार ऐसा होता है यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों हमारे पास जो क्राउन का फोल्डर जिसके देख सकते हैं देख लीजिए ओजी क्वालिटी का फोल्डर दोस्तों क्राउन ताजमहर का कि आप देख सकते हो दोस्तों दोस्तों इसका जो प्राइस है वो सात सौ पचास रुपये होल प्राइस है अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं दोस्तों तो आपको जो है सात सौ रुपये पर पीस में भी आपको मिल जाएगा ठीक है देख लीजिए सात सौ पचास रुपये इसका जो है होल सेल प्राइस है क्वालिटी फोल्डर है दोस्तों यहाँ पर मैं आपका भी सबसे पहले चेक करके दिखा देता हूँ और दुकानदार आपके फ़ोन पर जो है लगा कर इसका जो है आपसे बारह सौ या फिर पंद्रह सौ रुपये भी आपसे ले सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं भी लेता हूँ दोस्तों ऐसा बात नहीं है क्योंकि डिस्प्ले लगाना का हो जाता है रिस्की भी होता है डिस्प्ले लगाते वक्त दोस्तों कभी कभी डिस्प्ले हम लोगों का जो खराब भी हो मतलब हो जाता है डिस्प्ले टूट भी जाता है क्योंकि डिस्प्ले में कोई गारंटी वारंटी आता नहीं है जैसे जिसके यहाँ देख सकते हैं दोस्तों डिस्प्ले का क्वालिटी आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी है बिल्कुल मक्खन जैसा चल रहा है दोस्तों हमारा डिस्प्ले दोस्तों ये वाला डिस्प्ले आपको मार्केट में जो अवेलेबल मिल जाएगा ठीक है देख लीजिए क्राउन का फोल्डर दोस्तों इसमें क्राउन का थ्री पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट फोर ऐसे जैसे दोस्तों भर्जन आता है ठीक है फोर पॉइंट जीरो थ्री पॉइंट जीरो ऐसा भर्जन आता है जैसे कि देख सकते हैं क्वालिटी ऊपर आपको ये वाला लेयर दिख जाएगा तो ये वाला लेयर को जो है आपको बाद में निकाल देना देख लीजिए क्वालिटी जैसे देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वालिटी है ये फोल्डर का काफ़ी अच्छा क्वालिटी दोस्तों ये सिर्फ वीवो का मॉडल नहीं बल्कि एम आई रेडमी इन्फिनिक्स बहुत सारे फ़ोन का जो मॉडल होता है दोस्तों बहुत सारे कंपनी का जो फोल्डर होता है फ़ोन होता है वो सारा जो है इस कंपनी का अवेलेबल आपको जो मार्केट में मिल जाएगा दोस्तों क्राउन का ये फोल्डर है काफ़ी अच्छा क्वालिटी है इसका और यहाँ पर देख लीजिए आपको जो है फ्रेम के चारों ओर आपको अच्छे तरीके से दोस्तों ग्लू को लगा लेना है एक चीज़ का आपको यहाँ पर दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कभी भी आप अपने फ़ोन पर फोल्डर को लगाएंगे तो आपको जो ग्लू है वो ग्लू आपका सेंसर या फिर आपका जो फ्रंट कैमरा होता है दोस्तों उस पर नहीं जाना चाहिए जो कि मैं अभी आपको आगे जो है बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ पर आपको ग्लू नहीं लगाना है नहीं तो आपका फ़ोन पर जो है फ्यूचर पर डिस्टर्ब आता रहेगा फोन पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारा आता रहेगा इसलिए जब भी आप किसी भी चीज़ को लगाएंगे दोस्तों डिस्प्ले को कभी भी आप किसी भी फ़ोन पर लगाएंगे तो देख लीजिए आपको ध्यान रखना है देख लीजिए ये हमारा सेंसर हो गया दोस्तों ये हमारा जो फ्रंट कैमरा हो गया यहाँ पर आपको जो है ग्लू हल्का सा भी नहीं देना है नहीं तो आपका जो फ़ोन है दोस्तों प्रॉब्लम करने लग जाएगा अगर आपका सेंसर पर जाएगा ग्लू तो क्या होगा दोस्तों कभी भी किसी का फोन या फिर किसी का अगर कॉल लगाएंगे तो आपका डिस्प्ले का लाइट जो बंद हो जाएगा वो आपको ध्यान रखना है ठीक है और जाहिर सी बात है दोस्तों कैमरा पर जाने से कैमरा आपका बला रहेगा कैमरा खराब खराब हो जाएगा हमेशा के लिए वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर देख लीजिए आपको ये वाला स्टिकर को बाहर निकाल लेना है बाहर निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो इस तरह से फ्लैक्स को पीछे की ओर आपको चिपका देना है चिपकाने के बाद दोस्तों देख लीजिए एक और आपको जो यहाँ पर स्टिकर मिलेगा इसको भी आपको कुछ इसी प्रकार से आपको बाहर निकाल लेना है और बाहर निकालने के बाद दोस्तों अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ देख लीजिए मैंने फ्रेम के चारों ओर जो है अच्छी तरीके से ग्लू को लगा दिया हूँ ग्लू आपको दोस्तों अच्छी तरीके से लगाना है और यहाँ पर देख लीजिए कुछ इसी प्रकार से डिस्प्ले को आपको जो फ्रेम पर बैठा देना है डिस्प्ले लगाना बहुत ईजी है दोस्तों कोई से भी फ़ोन पर डिस्प्ले को आसानी से लगा सकते हैं कोई दिक्कत इसमें नहीं है कोई भी कोई भी जो है दोस्तों ये मेरा डिस्प्ले को लगा सकता है अपने अपने फ़ोन पर लगा सकता है मार्केट से खरीद कर ला या फिर इसको आप कोई भी सर्विस सेंटर या फिर शॉप पर भी लगवा सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है आप कहाँ पर लगाएंगे आपकी मर्जी भाई आपका फ़ोन आप कहाँ पर इसको तो दो से तीन घंटे के लिए चार घंटे के लिए ठीक है तो यहाँ पर देख लीजिए आपको फ्लैक्स को जो है चार और देख लीजिए आपको फ्लैक्स को जो है अच्छे तरीके से आपको चिपका देना है और जो अपने गुलू लगाए थे दोस्तों चार और फोन के गलू को लगाए थे तो उस गुलू पर जो है आपको डिस्प्ले को लगा देना लगाने के बाद दोस्तों कुछ आपको रबर बैंड या फिर आप टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको दोस्तों टेप को जो है दो से तीन घंटे के लिए आपको जो है फ़ोन के अंदर चिपका के रखना है बहुत भाई लोग क्या करते हैं दोस्तों जल्दबाजी में जो है वो पहले टेप को खोल देते हैं रबर बैंड को खोल देते हैं और क्या होता है कि उसका जो फ़ोन का डिस्प्ले होता है दोस्तों वो एक से डेढ़ महीना सही चलता है उसके बाद जो फोन से बाहर निकल जाता है और साइड साइड से जो लाइट दिखाई देता है बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है देखने में वो सब आपको कभी नहीं करना है यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर मैंने सारा कुछ को लगा दिया थोड़ा थो सा वीडियो का यहाँ पर मैं फास्ट किया हूँ क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है देख लीजिए यहाँ पर मैं टेप को चिपका रहा हूँ ए वाला टेप को दोस्तों आपको जो है गुलू सूखने तक आपको इंतजार करना है दो से तीन घंटा चार घंटा जितना देर तक आप रख सकते हैं उसको रखेंगे तो उतना अच्छे से आपका फ़ोन के अंदर जो है फोल्डर मतलब चिपक जाएगा ठीक है बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी